Welcome back friends on Study Sprinter. This is Estimating and Costing part 3rd. Guys, these questions are very important for upcoming exams like SSC and other JE and AE exams, because these questions already asked in previous year exams. So please concentrate on these questions. Guys, before moving forward, please subscribe to Study Sprinter and also like and share the video. Let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो स्टार्ट करेंगे। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और प्रॉपर्टी इज नोन एज। जो मौजूदा भवन है उसकी हमें अगर फेयर प्राइस निकालनी है तो उचित मूल्य निकालना है, फेयर प्राइस उचित मूल्य निकालना है, तो कौन सी तकनीक अपनाई जाएगी। ठीक है, तो अगर फेयर प्राइस निकालना है, अगर हमें प्रॉपर्टी का फेयर प्राइस निकालना होगा तो हमें गाइज वैल्यूएशन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम उचित मूल्य निकलेगा वैल्यूएशन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ़ द बियरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटेल इन द एस्टिमेटिंग इट इज़ यूजली टेकन एज। कह रहे हैं कि अगर बियरिंग स्पेसिफाई नहीं की गई हो लिंटल में, ठीक है, जो लिंटल में बियरिंग हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमें जो है एस्टिमेशन में यूजली कितना लेना चाहिए। तो क्या ये है थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 3/4 ऑफ लिंटल थिकनेस और 12 सेंटीमीटर विच एवर इज लार्जर। थर्ड ऑप्शन है 1/2 ऑफ लिंटल थिकनेस और फोर्थ ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या है, अगर बियरिंग स्पेसिफाई नहीं है तो हम जो है लिंटल की जो है मिनिमम वैल्यू लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस की वैल्यू जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट कोड की वैल्यू है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं जो किसी भी डिसमेंटल्ड मटेरियल है, कोई भी बिल्डिंग है मान लीजिए, उसको ध्वस्त कर दिया जा रहा है तो ध्वस्त करने में जो लागत लग रही है, मतलब गिराने में जितना आप पैसा दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, गिराने वाले को, मजदूरों को और ये सब, उसको हटा के जो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सिर्फ घुमाया गया है, वैल्यू तो डिसमेंटल प्रॉपर्टी की ही पूछ रहा है, तो ये वैल्यू होती है स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू होती है और सॉल्वेशन वैल्यू क्या होती है, जब ये कोई भवन या कोई भी मटेरियल जो है वो अभी गिरा नहीं है, ये स्टैंडिंग मोड में है और इसकी जो है उस समय वैल्यू जो है ह्रास के बाद लिया जाता है तो उसे सॉल्वेशन वैल्यू बोलते हैं। लेकिन स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कूड़ कबाड़ की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ घुमा दिया था क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When actual cost of construction plus certain profit is paid to the contractor, then such contract is known as। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है और प्रॉफिट दोनों पेड कर दिया जाए कॉन्ट्रैक्टर को, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाता है। क्या ये अनशेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो देखिए जब इस क्वेश्चन के हिसाब से ही लग रहा है, अगर प्रॉफिट हम दे रहे हैं तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट होगा और अनशेड्यूल्ड और नॉमिनेटेड वर्क ऑर्डर ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं और एक बार फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो इसे देखते हैं और मेथड तो हमारा पुराना ही होगा। ठीक है, तो देखिए इस रेशियो में मिलाया गया है और पूछ रहे हैं सीमेंट का 100 मीटर क्यूब में वॉल्यूम बताइए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पे 1 में सीमेंट का रेशियो होगा, 2 जो है फाइन एग्रीगेट होगा और 4 जो होगा कोर्स एग्रीगेट होगा। अब 100 मीटर क्यूब में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सोल्यूशन। देखिए 1 मीटर क्यूब में वेट सीमेंट का वेट कितना होता है, ये होता है 1.52 ड्राई वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो ये तो हमें याद रखना है हमेशा, क्वेश्चन में यही बेसिक यूज होगा जब सीमेंट के केस में। ठीक है, 1 लीटर की सीमेंट वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें पता है 1, 2 और 4 के रेशियो में है, तो टोटल क्या हो जाएगा 7। तो सीमेंट का निकालना हमें तो 1.52 × 1/7 हो जाएगा। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अगर 1 मीटर क्यूब सीमेंट का वॉल्यूम इतना है तो 100 मीटर क्यूब सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21.7 मीटर क्यूब, 21.7 मीटर क्यूब आएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन सही है हमारा डी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली गई है, डी एकदम सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, और इस तरीके को आप लोग याद रखिए, क्योंकि इस तरीके कई क्वेश्चन आए हैं, कई बार आए हैं, कई एग्जाम में आए हैं, तो ये आने की संभावना इसकी जरूर है एसएससी जेई 2017 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल एज 14.7 × 9.7 मीटर। The thickness of the wall in superstructure is 0.30 meter. What is the floor area of the building? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्डिंग की प्लान दी हुई है। ठीक है, तो बिल्डिंग की प्लान दी हुई है और सेंटर लाइन पे इसकी डिस्टेंस गिवन है हमें। ठीक है, 2 डिस्टेंस गिवन है, बी और डी मान लीजिए आप, तो सेंटर लाइन पे गिवन है। और थिकनेस क्या है वॉल की, जो वॉल है उसकी थिकनेस क्या है 0.3 मीटर। ठीक है, और ये सेंटर लाइन इसकी दी हुई है। तो आगे सोल्यूशन हम देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि फ्लोर एरिया बताइए, फ्लोर एरिया क्या होगा। फ्लोर एरिया देखिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। फ्लोर एरिया देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए सेंटर लाइन बना है डायग्राम में, क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये देखिए सेंटर लाइन है पूरी। तो सेंटर लाइन में अगर हम देखें तो क्या है, इसकी बी जो डिस्टेंस है वो 14.7 है। ठीक है, और मान लीजिए ये एल मान लीजिए इसको, और इसको बी मान लीजिए, तो सेंटर डिस्टेंस ये गिवन है दोनों, और 0.3 जो है इसकी थिकनेस है। तो फ्लोर एरिया क्या होगा, मान लीजिए कोई भी आउटर एरिया है। ठीक है, ये जो होगा ये फ्लोर एरिया होगा, पूरा आउटर बाहर से। तो अगर हमें बाहर के एरिया निकालना है तो देखिए ये रेक्टेंगल ये गिवन है एरिया इस तरीके का, और फिर हम बाहर का एरिया पूरा निकालेंगे। ठीक है, ये एरिया हमें बाहर का पूरा चाहिए। तो देखिए क्या होगा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतना है, और अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी है पूरी तो एक बार 0.3/2 हो जाएगा, और फिर इस तरफ भी 0.3/2 हो जाएगा। तो टोटल हमें डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये जो है इधर 9.7 प्लस 0.3/2 और प्लस 0.3/2। अगर इस तरफ हम देखेंगे, इस तरफ अगर देखिए हमको देखना है लेंथ वाइज, तो क्या हो जाएगा 0.3 इस तरफ हो जाएगा आउटर, 0.3/2, और इधर आउटर में 0.3/2 हो जाएगा। तो ये जब जुड़ जाएगा इतना टोटल, तो आउटर कितना हो जाएगा 14 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ये 15 वैल्यू आ जाएगी, और ये ऐड करेंगे 10 आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा, हमें ये पूरी एरिया निकालनी थी, तो डायग्राम है पूरा आउटर एरिया निकालनी है। अगर यही क्वेश्चन भी पूछता हमको, बताइए कारपेट एरिया अगर निकालना होता तो हमें क्या चाहिए होता, ये इनर एरिया। ठीक है, कारपेट का मतलब ही होता है कि जो एक तरीके से मान लीजिए जो हम कालीन बिछाते हैं अपने कमरों में, घरों में, तो जितना वो एरिया घेरता है वही कारपेट एरिया होता है, ये कारपेट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 0.3 जो है 0.3/2 माइनस 0.3/2, 2 बार घटाना पड़ता है तो 0.3 घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें कारपेट एरिया निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोर एरिया पूछा है तो आउटर एरिया होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। लेकिन तरीका यही है, इसी तरीके से सॉल्व करना आप लोगों को, तो ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, आउटर डायमेंशन फ्लोर एरिया की हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट्स ओके। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहे हैं द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन एबव फ्लोर लेवल इज केप्ट। तो क्या है इसमें पूछ रहे हैं कि हाइट कितनी है फ्लोर लेवल से सिंक की, हम जो अपने घरों में सिंक लगाते हैं उसकी हाइट कितनी होगी फ्लोर लेवल से। तो इसमें देखिए कोड ने जो बोला है 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए सिंक की। ठीक है, फ्लोर से जो ऊपर हम लगाते हैं सिंक, मान लीजिए यहाँ पर सिंक है कोई, इस शेप की तो नहीं होगी लेकिन मान लीजिए, तो जो है ये जो ऊंचाई होती है 75 to 80 होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इसकी अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो 630 mm इंटू 450 mm होती है, और एक और साइज़ आप देख लीजिए 550 mm इंटू 400 mm होती है साइज़। तो दो साइज़ और याद रखेंगे आप लोग, क्या है 630 इंटू 450 mm, और दूसरी अगर याद कर एक और है तो उसको याद कर लीजिए 550 इंटू 400 mm, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे, इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। और हाइट जो होती है उसको याद ही रखिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ अ हाईवे हैज अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज ऑल्सो हैविंग अ लॉन्जिट्यूडनल स्लोप द अर्थ वर्क मे बी कैलकुलेटेड बाई। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हाईवे है उसका ग्रेडियंट जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब यूनिफॉर्मली ग्रेडियंट उसका है, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है। अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो यूनिफॉर्म है, और डाउनवर्ड अगर होगा तो मान लीजिए हाईवे है कोई तो उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म है। तो बताइए जो हम अर्थवर्क करेंगे उसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखिए जब यूनिफॉर्म होगा तो हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं है कि कौन सा यूज करना है। तो इसमें क्या होगा, सभी सही होगा। वैसे बेस्ट अगर पूछता हमें रफ होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, रज्ड होता, तो क्या हम कौन सा यूज करते हैं बेस्ट, वो प्रिज्मोडाइल जो है प्रिज्मोवाइडल होता है, ठीक है। तो ये रफ के केस में होता है जो प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें तीनों होगा, मिड सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल तीनों यूज होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब इसमें फार्मूला लिखा हुआ है तो फार्मूला देखिए मिड सेक्शन फार्मूला क्या होता है, बी इंटू डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर इंटू एल। अब देखिए अगर हमें सेक्शन दो लिए हुए हैं, कई सेक्शन है, तो ये D1 और D2 है, तो अगर हमें D1 और D2 है DM निकालना है तो क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में देखिए फार्मूला ये आएगा मिड सेक्शन का। अगर प्रिज्मोइडल की बात करें तो प्रिज्मोइडल में फार्मूला होता है L/3 प्लस ब्रैकेट में A0 प्लस AN प्लस 4 इवन नंबर्स, इवन एरिया जो होगी प्लस 2 ऑड एरियाज, ठीक है। एक और फार्मूला इसमें है या तो V इक्वल टू L/6 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस 4 AM, ठीक है। और ट्रेपेजॉइडल अगर फार्मूला देखें तो V इक्वल टू हो जाएगा A0 प्लस AN बाई 2 प्लस A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इंटू D। तो तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ लेता है अलग अलग देखे, तो फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीनों याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी साइड स्लोप एस इंटू 1 एंड लेंथ एल इज। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं कि एरिया बताइए स्लोपिंग सरफेस की। तो इसको देखिए सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आगे सोल्यूशन है हमारे पास। देखिए इस तरीके की कुछ स्लोप है, इस तरीके कुछ बनेगा एम्बैंकमेंट। तो देखिए क्या है, यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है अगर रेक्टेंगल ले तो B इसकी जो है विड्थ होगी रेक्टेंगल की और D डेप्थ होगी। स्लोपिंग में है तो क्या साइड इसकी S/D होगी। तो अगर हम ये साइड निकालें तो क्या आएगा D² प्लस SD², और इसका स्लोप हमें पता है S इंटू 1 है और लेंथ दिया हुआ है L। तो हमें एरिया अगर स्लोप का निकालना हो तो L इंटू अंडर रूट D² प्लस SD², ठीक है। अगर हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, LD अंडर रूट 1 प्लस S²। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या पूछा क्या हुआ, स्लोपिंग साइड, तो हमें ये एरिया चाहिए, ठीक है। ये एरिया दिख रही होगी आप लोगों को, लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरी ये एरिया दिख रही होगी, ठीक है। देखते कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे ऑप्शन सही है जो है C, ठीक है, LD अंडर रूट 1 प्लस S², ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ कैनाल फुली इन एम्बैंकमेंट रिफर द फिगर गिवन बिलो इज। तो ये पूछ रहे हैं कि एम्बैंकमेंट का हमें एरिया बताइए। एम्बैंकमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है एम्बैंकमेंट, ठीक है। इसकी एरिया पूछी जा रही है इसमें। तो देखिए डायग्राम में देखिए इसको सही से, मान लीजिए एक पे हम कंसंट्रेट करते हैं, एक ही डायग्राम पे। ये हमारे पास क्या है, ये इम्बैंकमेंट है, ठीक है। ये टॉप जो है V1 है, इसकी विड्थ, और ये स्लोपिंग साइड क्या हो जाएगी इसकी, S1 है, तो इधर जो हो जाएगा SD हो जाएगा और ये हो जाएगा D डेप्थ। तो हमें क्या करना है, अगर हम निकालें इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया कंसंट्रेट करें तो B×D, ठीक है, और प्लस जो है ट्रायंगल के एरिया कंसंट्रेट करें तो 1/2 SD SD×D, ठीक है। अभी दो ट्रायंगल थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, B×D प्लस SD², ठीक है, SD² आ जाएगी। अब B की जगह क्या है यहाँ पे, B1 है, ठीक है, B1 है। तो क्या करेंगे हम, B1×D प्लस SD², ऐसे हम दूसरे में निकाल लें तो B2×D प्लस SD² हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए D जो है H मान लीजिए, तो जो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, B1×H प्लस SH², और दूसरे क्या आ जाएगी, B2×H प्लस SH², तो 2SH हो जाएगा, और B1 + B2×H होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आ रहा है सही, हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो निकल के C सही आ रहा है, ठीक है। कायदे से H होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो C ऑप्शन यहाँ पे सही है। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं था ये। तो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर सेपरेटली। पहला ऑप्शन है जो कह रहे हैं कि जो अर्थवर्क है इसको सेपरेटली हम मेजर नहीं करते हैं, बताइए तो कौन कौन से है। सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स, बी है साइट क्लियरेंस, C है डेडमैन। देखिए ये तीनों सेपरेटली नहीं कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सब जो है साथ में कैलकुलेट किए जाते हैं, तो ठीक है किसी न किसी के साथ। तो सही ऑप्शन क्या है, सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसे याद रखिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहे हैं, व्हाइल एस्टिमेटिंग अ रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड। जो जब हम रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर को मेजर कर, मतलब जो हमारा एस्टिमेटिंग होती है तो उस समय जो कवर है वो एज्यूम क्या की जाती है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट केस में नीचे दिया हुआ है कौन कौन से केस की है, तो इसे हमें देखना है। देखिए पहला ऑप्शन है, एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 25 mm और टॉइस द डायमीटर ऑफ द बार। तो कह रहे हैं या तो जो 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए बार, या फिर 2 डायमीटर की बार लेनी चाहिए, कोई भी डायमीटर होगा। तो इसमें देखिए ये दोनों सही है, पहला ऑप्शन जो है दोनों सही है एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बार में। बी ऑप्शन देखते हैं, इन थिन स्लैब की बात कर रहे हैं, 12 mm मिनिमम डायमीटर, या तो फिर डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। कोई डायमीटर की बार है या फिर 12 mm की बार है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा, मान लीजिए हमने कोई ले लिया 15 mm का, तो 15 mm का बार ज़्यादा हो जाएगा 12 से, तो उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों सही है, ठीक है। सी ऑप्शन में देखते हैं, द रेनफोर्सिंग लॉन्जिट्यूडनल बार इन अ बीम 25 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट बार विच एवर इज मोर। तो देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। जनरली देखिए क्वेश्चन तो RCC का है लेकिन यहाँ पर आ गया है तो ले लेते हैं, एस्टिमेटिंग के नाम पे आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। कोड की वैल्यू है, इसे डायरेक्ट याद रखना सही है। वैसे कोड जो RCC में है उसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोड से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं सभी एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन द केस ऑफ, पहला ऑप्शन है हनी कॉम ब्रिक वर्क, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिक फ्लैट सोलिंग, और तीसरा ऑप्शन है हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन वॉल, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखिए ये तो एकदम सही है, फ्लैट सोलिंग में भी मीटर स्क्वायर होता है इसकी जो है ब्रिक वर्क, और हाफ ब्रिक वॉल में तो आप लोगों को पता ही है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जो है सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज। ये देखिए पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा सही है, ये सही है 10 सेंटीमीटर। वैसे तो देखिए ब्रिक वॉल जो अगर 20 सेंटीमीटर की होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है हमें पता है, तो ये क्या होती है मीटर क्यूब में मेजर की जाती है। लेकिन अगर 10 सेंटीमीटर तक है, 10 सेंटीमीटर की जो होगी वो तो हम मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में, ये कोड ने बोला है, तो ये वैल्यू याद रखिए आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ लेइंग गलीज साइफन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कॉस्ट इंक्लूडेड, ठीक है। तो जो है देखिए गलीज साइफन और इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स को जब हम बिछाते हैं तो उसमें कॉस्ट कौन सी लगती है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जो है क्या होता है इंटरसेप्टिंग अगर ट्रैप्स की बात करें तो दो देखिए कुछ कोई भी अगर मान लीजिए हम बिछा रहे हैं पाइप या कोई दो पार्ट हैं बिल्डिंग के, तो इसमें के बीच में एक देखिए पाइप लगती है इस तरीके की इंटरसेप्टिंग पाइप होती है, ठीक है। पानी का आप कैसे फ्लो करना है तो ये इंटरसेप्टिंग पाइप का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि जब बिछाते हैं तो उसकी जो है कॉस्ट इंक्लूड कब होती है, सेटिंग एंड लेइंग इसमें भी इंक्लूड होती है, बेड कंक्रीटिंग इसमें भी इंक्लूड होती है, कनेक्शन टू ड्रेन्स इसमें भी इंक्लूड होती है। तो क्या सही है, सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट अबाउट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये देखिए जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या है कंप्लीट करने की किसी बिल्डिंग के टोटल कॉस्ट की, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होती है कंप्लीटसन में कंप्लीट करने में, ठीक है, वो टोटल कॉस्ट की जो है 1/4 होती है। तो 1/4 होती है, इसे याद रखिए, और यहाँ पे 1/4 क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे जो हम अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट क्या लगाते हैं बनाने में टोटल कॉस्ट का, तो 1/4 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर द अर्थ वर्क इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फाउंडेशन आर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन जो सही है नॉमिनल लीड और लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल लीड और लिफ्ट जो है अर्थ वर्क के एग्जीक्यूशन में क्या होता है, ये होता है, सी ऑप्शन सही है, 30 मीटर लीड होती है और 1.5 मीटर जो होता है, सॉरी 15 मीटर नहीं है, 1.5 मीटर क्या है ये होगा लिफ्ट। देखिए क्या होता है अगर हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो जनरली मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। और जो है अगर हम मीटर क्यूब में होता है, लेकिन अगर देखिए प्लान जो है वो 10 मीटर स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, कोई प्लान है वो 10 मीटर स्क्वायर से बड़ा है अर्थवर्क का, तो उस समय जो हम जो है लीड और लिफ्ट लेते हैं, लीड तो हमारी लीड की डेप्थ जो होती है वो डी 30 मीटर होती है, और लिफ्ट जो होती है बी जो होती है वो हमारा क्या होता है 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है। तो जब 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्लान होगी, ये 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्लान हो जाती है जब, तो हम क्या करते हैं इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं अर्थवर्क को, ठीक है। अगर 10 मीटर स्क्वायर की प्लान है, 10 मीटर स्क्वायर के अंदर की प्लान है, तो लीड हमारी क्या होगी वो 30 मीटर होगी, जो डी होती है वो 30 मीटर होगी लीड की डेप्थ, और जो बी होता है वो 1.5 मीटर होगा, ठीक है। इस समय हम जो फाउंडेशन का वर्क करते हैं एग्जीक्यूशन करते हैं वो मीटर क्यूब में होता है, तो प्लान 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो स्क्वायर मीटर में लीड और वो लेते हैं, स्क्वायर मीटर में हम अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। अगर 10 मीटर से प्लान कम है, जो ये प्लान है 10 मीटर से कम होगी फाउंडेशन की, तो क्या हो जाएगा हम लेते हैं मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू याद रखिए आप लोग जो सी ऑप्शन गिवन है, ठीक है, 30 मीटर और 1.5 मीटर लीड और लिफ्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, पिकअप द एग्जीक्यूशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूशन की वैल्यू हमें बतानी है जिसमें हम मेजरमेंट उसका लेते हैं पेमेंट का स्क्वायर और मीटर में। तो पहला ऑप्शन है ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सरफेस एग्जुकेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है। अभी अभी आपने देखा क्वेश्चन तो वही है, बस घुमा के पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो देखिए यहाँ पे इसी तरीके क्वेश्चन पिछला वाला भी था कुछ, तो यहाँ पे जो सही है वो जो है बी और सी सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1.5 मीटर डेप्थ है और सरफेस एग्जुकेशन जो है 30 सेंटीमीटर डेप्थ है। तो 1.5 मीटर जो है सरफेस ड्रेसिंग हम कर रहे हैं 1.5 मीटर तक, तो हमें क्या स्क्वायर मीटर में यूज़ करना होगा। और सरफेस एग्जुकेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ तब भी स्क्वायर मीटर में हम मेजर करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ऑर्डिनरी कटिंग का गलत है। तो ठीक है, देखिए पिछले तो मिल नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जो है 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो सरफेस ड्रेसिंग होती है स्क्वायर मीटर ही लिया जाता है, और सरफेस एग्जुकेशन में 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 25 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मेजन पर डे। तो देखिए आउट टन के क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। आउट टन के क्वेश्चन क्या है, पूछता जरूर है। तो जो आउट टन होता है एक्सपेक्टेड 2.5 सेंटीमीटर कंक्रीट फ्लोर का पर मेजन पर डे, वो 7.5 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। ये मेजन के केस में पूछ लेता है, कोड में ऐसी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कोड में ऐसी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आगे देखिए मैं कुछ और वैल्यूज़ लिखा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी याद रखना है, और इसको तो याद रखना ही है, कई बार पूछा हुआ है कई एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो 2.5 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट फ्लोर होगा उसका पर मेजन पर डे आउटटर्न कितना आएगा, 7.5 स्क्वायर मीटर। मतलब 2.5 सेंटीमीटर की अगर कंक्रीट फ्लोरिंग करनी होगी तो 7.5 स्क्वायर मीटर एक दिन में एक मेजन काम करेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं और चीज़ें। देखिए कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। 18 पे देखिए एक्सपेक्टेड आउट टर्न फॉर 12 mm प्लास्टरिंग विथ सीमेंट मोर्टार पर मेजन पर डे कितना होगा, ये 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं तो 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 12 mm प्लास्टरिंग है। दूसरा है एक्सपेक्टेड आउट टर्न सीमेंट कंक्रीट का रेशियो क्या होगा, 1, 2, 4 पर मेजन पर डे कितना होगा, 5 मीटर क्यूब। अब ये जो होगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम में मेजर किया जाता है, ठीक है। अगला है तीसरा, ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन ऑफ सॉइल पर मजदूर या पर लेबर पर डे क्या होगा, 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में मेजर किया जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन किसी सॉइल का हम जो ऑर्डिनरी तरीके से निकाल रहे हैं, तो एक मजदूर कितने दिन में निकालेगा, जो एग्जीक्यूशन करेगा वो कितना एग्जीक्यूशन करेगा एक दिन में मजदूर, तो वो करेगा 3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए एक्सपेक्टेड आउट टर्न, नेक्स्ट वाला है एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ पर मेजन पर डे। ऊपर वाले में देखिए मजदूर था, लेकिन यहाँ पे पर मेजन पर डे है, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है। 1.2 मीटर क्यूब जो ब्रिक वर्क होता है सीमेंट मोर्टार में, ठीक है, फाउंडेशन में। तो अगला है देखिए लास्ट जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ हाफ ब्रिक पार्टीशन वॉल पर मेजन पर डे। तो हाफ ब्रिक की जो वॉल होती है इसके 2 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। एक दिन में आउट टर्न इतना आएगा। तो ये पाँचों याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंट वेरियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो और आगे आता रहेगा तो और भी लिखवा देंगे, अभी इतना ही याद करिए क्योंकि बहुत ढेर सारी वैल्यू रहती है, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखवा दिया जाएगा, 2-4 और मिल जाएंगे वो भी लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड टू मेक 100 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज। देखिए क्वेश्चन तो अभी जो किया गया है सीमेंट के केस में एकदम वैसे ही है, सेम उसी तरीके से लगेगा, बस इसमें क्या है हमें अब पूछ रहे हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। सीमेंट और फाइन एग्रीगेट पे ना कंसिडरेट करके यहाँ पे इन्होंने कंसिडरेट किया है कोर्स एग्रीगेट पे, ठीक है। तो कोर्स एग्रीगेट के बारे में हमें पता है तरीका क्या है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए सोल्यूशन क्या है, अब हमें पता है 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट का वेट कितना होता है, 1.5 ऑफ ड्राई सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम निकाल लें, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल लिए हमने यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.21 मीटर क्यूब। अब देखिए 100 मीटर क्यूब की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर क्यूब की क्वांटिटी हो जाएगी 21.7। अब हमें यहाँ पे सीमेंट का रेशियो गिवन है, फाइन एग्रीगेट है ये 1, 2 और 1, 4 में कोर्स एग्रीगेट है, तो 4 से अगर हम डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो 21.7 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 88 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 21.7 इंटू 4 इक्वल टू 88, 86.4 आया, लेकिन रफली हम 88 ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन मैच किए होंगे। अगर ऐसे ही हमको देखिए सीमेंट पूछता तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते और फाइन एग्रीगेट पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। कुछ भी पूछता अब हम बता सकते हैं, क्वेश्चन हम लगा के प्रैक्टिस करके अब हमें सारा चीज़ पता हो गया। ठीक है, तो अब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बता देते हैं, जो औपचारिकता बची हुई है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही है, 88। तो सिर्फ तरीका आना चाहिए, ऑप्शन पे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, तरीका आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके की देखिए अब तक आप लोगों को 3 सेट में कितने क्वेश्चन मिल गए, 3-4 क्वेश्चन मिल चुके। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ज़रूर, आता रहता है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज़ मीजर्ड इन स्क्वायर मीटर इज। ठीक है, तो स्टील वर्क पूछ रहे हैं जो स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है, उसको बताइए। कोलैप्सिबल गेट्स या रोलिंग शटर्स या स्टील डोर्स। रोलिंग शटर्स देखिए जो दुकान में लगते हैं, जिनसे बंद किया जाता है दुकान, देखते होंगे आप लोग, ऊपर नीचे उठता है, बंद किया जाता है। और स्टील डोर्स जो होते हैं चैनल के तरीके से होते हैं, इस साइड आते हैं, फिर एक दूसरे में जब दोनों आते हैं तो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे ये कोलैप्सिबल गेट होता है जो एक दूसरे में सिमट जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके होता है, कुछ बना होता है और इस तरफ भी होता है, दोनों आके जब ओपन कर दिया जाता है तो बंद हो जाता है और इसको कोलैप्स कर देने पे सिमट जाता है एक दूसरे में। तो ये सारी चीज़ें जो है, स्टील डोर्स, रोलिंग शटर्स, कोलैप्सिबल गेट, ये सब स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, साथ साथ देखिए मैं अब देखिए अब तक लगाने में कितना स्क्वायर मीटर मिला होगा, स्क्वायर मीटर कितना मिला है जिनकी जो है मेजरमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, उसको याद कर लीजिए आप लोग। इनकी वैल्यू डीपीसी देखिए, डैम पू कोर्स जो है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। और मैं बता दूं न्यू में जो डीपीसी लगती है, डैम पू कोर्स जो होता है सीलिंग के लिए, न्यू में नहीं, सीलिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बिटुमन यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा सीलिंग रेजिस्टेंट होता है वो, जो उसमें पानी आर पार नहीं होता है। ऐसे सड़क पर ही देखिए ऊपर जो बिटुमन लगता है वो परमिबिलिटी उसकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी याद रखिए आप लोग, जो प्लिंथ पे लगता है सीलिंग मटेरियल, वो होता है हमारा बिटुमेन। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है रूट स्लैब। रूट स्लैब मीटर स्क्वायर में। फॉर्म वर्क जो होता है, फॉर्म वर्क जो हम करते हैं वो मीटर स्क्वायर में है। प्लास्टर्स जो है वो भी मीटर स्क्वायर में है। अब देखिए मीटर क्यूब में क्या क्या है, सनसेट जो है मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। आरसीसी लिंटल मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। आरसीसी और पीसीसी की वैल्यू मीटर क्यूब में हम जो है मेजर करते हैं। स्टील की वैल्यू किसमें, आरसीसी स्टील इन आरसीसी वर्क, इसको देखिए क्विंटल में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सारी वैल्यू याद रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है बार बार। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब इस लेक्चर का एंड करते हैं, बाड़ी को विराम देते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी स्प्रिंटर को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।